फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, कौशिक के एसएसबी ट्यूटोरियल्स में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ये, टाइप्स ऑफ एंट्री एज ऑफिसर। हम ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी एंट्री हमारे पास है। तो गाइस, मैंने आपको मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने एसएसबी के बारे में बहुत बस थोड़ा सा बताया था कि वो 5 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहली जो एंट्री होती है हमारी होती है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस, जो ये NDA का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा कंडक्ट करती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा साल में 2 बार होता है एग्ज़ाम, ठीक है। ये साल में 2 बार हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और इसका जो नोटिफिकेशन, मतलब क्या होता है इसका नोटिफिकेशन, कि इसका जो फॉर्म कब रिलीज होते हैं हमारे फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम है तो हमको उसके पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस, हमारा जो नोटिफिकेशन का मतलब ही वही है कि हमारे फॉर्म कितने बार निकलते हैं और कब निकलते हैं। तो गाइस, हमारा फॉर्म 2 बार निकलता है साल में, जो एक बार निकलता है फेब में, क्योंकि हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम होता है फर्स्ट NDA, और सेकेंड होता है हमारा जो फॉर्म रिलीज होते हैं वो होते हैं जुलाई में, जो हमारा एग्ज़ाम होता है सेप्टेम्बर में, सेकेंड एग्ज़ाम। तो इसमें गाइस हमारे दो एग्ज़ाम होते हैं, जो पहला होता है मैथ्स और दूसरा होता है GK। जो हमारा जो मैथ्स होता है ये होता है हमारा 300 मार्क्स, ठीक है, और जो होता है 600 मार्क्स। तो इन दोनों को मिला के होता है हमारा 900 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, हमारा मैथ्स का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा हाई आता है कंपेरेटिवली टू GK। तो गाइस, इसमें मैथ्स का लेवल क्यों हाई आता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स का लेवल इसलिए हाई आता है क्योंकि जो ये NDA का जो एग्जाम होता है मेनली साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, मेनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ये जो 12th के जो बच्चे हैं, जो 12th में हैं, वो देते हैं इस एग्जाम को। वो क्यों देते हैं, तो क्योंकि देखिए, इसमें हमारा जो मैथ्स का लेवल बहुत हाई आता है, वो इसलिए हाई आता है क्योंकि जो यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो उन स्टूडेंट से, कैंडिडेट से बहुत हाई मैच्योरिटी वो उनसे चाहते हैं मैथ्स में, और जो उन्हें मिलती है क्योंकि वो अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो वो बोर्ड्स के लिए बहुत हाई लेवल का प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी वजह से उनका मैथ्स का भी हाई लेवल इसलिए हाई आता है, और वो मैथ्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं हाई लेवल का। और वो उनको पता है कि जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उनसे वो हाई मैच्योरिटी GK में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे, इसीलिए इसमें GK का लेवल बहुत लो आता है कंपेरेटिवली टू मैथ्स। और हमारा जो NDA में जो 3 तरह के फोर्सेज होते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, वो होता है हमारा, फर्स्ट है नेवी, सेकेंड है आर्मी, थर्ड है एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया NDA के बारे में। अभी मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगा CDS के बारे में। CDS होते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। तो ये भी हमारा जो ये CDS का जो एग्ज़ाम होता है CDS का, वो भी हमारा UPSC ही कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इधर पे मैंने आप इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। और जो ये होता है एग्ज़ाम, ये भी साल में 2 बार ही होता है, ठीक है। जैसे NDA 2 बार होता है साल में, वैसे ये भी 2 बार होता है साल में। तो इसके अंदर लेकिन इसकी जो सबसे मेन बात है CDS की, वो होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल कैसे, मतलब देखिए, आप मेरे को देखिए, अगर जैसे मैं BSc का स्टूडेंट हूँ, 12th पास आउट हूँ, अगर मैं BSc विद फिजिक्स, IT या फिर केमिस्ट्री कर रहा हूँ, या फिर मैं ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ, या फिर थर्ड ईयर में पहुँचा हूँ, तो मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं थर्ड ईयर अपियरिंग हूँ, तो वो ग्रेजुएशन लेवल ही होता है, तो मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है। और गाइस फ्रेंड्स, इसमें हमारी 4 तरह की एंट्री आती है। पहली होती है हमारी INA होती है इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है। दूसरी होती है IMA, इंडियन नेवल एकेडमी, IMA, AFA। दूसरी होती है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। थर्ड होती है AFA, एयर फोर्स एकेडमी। तो जो ये 3 एंट्री होती है हमारी, ये बस हमारी ओनली फॉर बॉयज़, बस ये लड़के ही दे सकते हैं, लड़कियाँ नहीं दे सकती ये। तो ये इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं इसके अंदर। पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है इंग्लिश, तीसरा होता है GK। फ्रेंड्स, मैं फेसबुक पे हूँ, फेसबुक मैं यूज़ करता हूँ। फेसबुक पे मेरे बहुत सारी लड़कियाँ दोस्त हैं, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो मेरे से यही, उनने जब मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो उनने मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या हम INA के लिए एलिजिबल हैं।
तो उनको मैंने बस एक बात बोला, उनको मैं बोला कि मेरा न्यू वीडियो आउट होने वाला है संडे को, तो आप प्लीज़ उसे देखिए, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं उसी का ही आंसर ये बता रहा हूँ इधर पे। तो IMA, IMA and AFA गर्ल्स के लिए नहीं होती, वो बस ओनली फॉर बॉयज होती है। और जो गर्ल्स के लिए जो एंट्री होती है हमारी, वो होती है OTA, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो आर्मी की होती है। तो इसमें क्या खासियत है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैथ्स का जो एग्जाम है वो नहीं होता, इसमें बस हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है जीके। इसमें मैथ्स नहीं होता, और ये इन तीनों में मैथ्स होता है, और ये गर्ल्स के लिए भी होता है। और ये जितनी भी चीज़ है ये CDS का, ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो आपको मैंने ये बता दिया CDS के बारे में। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा टेक एंट्री, जो हमारी 10+2 के ऊपर होती है, 10+2, ठीक है, 10+2 12। इसमें फ्रेंड ये जो टेक एंट्री है, इसमें हमारा जो 12th का जो रिजल्ट है वो मैटर करता है इसमें, ठीक है। टेक एंट्री में हमको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हमारी डायरेक्ट एसेस भी आती है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, इसमें जो PCM का जो परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें वो 70% मांगते हैं, लेकिन जो हर साल का कट ऑफ जाता है इसका, वो जाता है हमारा 80 अबाव परसेंटेज, ठीक है। जो हमारा मेरिट लिस्ट निकलता है SSB के लिए कैंडिडेट्स का, वो हमारे 80 अबाव वालों का ही निकलता है। तो इसमें हमारी दो तरह की एंट्री होती है, पहली होती है नेवी टेक। तो गाइस नेवी टेक में हमारा पहले क्या सिस्टम था कि जिसको PCM में 70 अबाव परसेंटेज है और इसमें उनको इतना चाहिए, एक्सपेक्ट चाहिए उनको इतना 70, लेकिन इसका जो कट ऑफ निकलता है वो हमारा 80 अबाउ निकलता है, ठीक है। नेवी टेक में हमारा पहले क्या सिस्टम था कि इसमें पूरा 12th का रिजल्ट मैटर करता था, लेकिन अभी 2018 से ये हमारा सिस्टम नहीं रहेगा 12th वाला, 12th का जो परसेंटेज का वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें अभी JEE सिस्टम आ चुका है, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो JEE मेंस का जो एग्जाम होता है उसके हिसाब से अभी हमको नेवी टेक में SSB के लिए चांस मिलेगा। उसके हिसाब से जो हमको रैंकिंग मिलेगा उसी के हिसाब से हम ये नेवी टेक के लिए हम जा सकते हैं। और रही आर्मी टेक की बात, ठीक है, रही आर्मी टेक की बात, तो आर्मी टेक में ये सिस्टम नहीं है। आर्मी टेक में हमारा 12th वाला सिस्टम कंटिन्यू है कि PCM में 70% हमको एक्सपेक्ट चाहिए उतना, लेकिन उसको जो कट ऑफ निकलता है वो हमारा 80 अबाउ निकलता है, ठीक है। इसमें हमारा JEE का सिस्टम नहीं है, JEE का सिस्टम हमारा भी नेवी में आ चुका है जो 2018 से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया टेक एंट्री के बारे में। इसमें हमारे डायरेक्ट एसेस भी आते हैं, इसमें हमको रिटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा फोर्थ एंट्री होता है वो होता है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसका मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख चुका है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो गाइस जो ये एग्जाम होता है FCAT, ये हमारा कंडक्ट करता है एयरफोर्स, खुद एयरफोर्स हमारा ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो गाइस फ्रेंड्स, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे CDS में IMA, IMA, AFA के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे FCAT के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो इसका और इसका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जो FCAT होता है इसकी भी खासियत यही है कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल होता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन से पहले नहीं दे सकते हम ये एग्जाम। और ये जो FCAT होता है ये हमारा फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के लिए, गर्ल्स के लिए भी होता है बॉयज के लिए भी होता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक EKT का एग्जाम होता है, EKT जो पायलट का एग्जाम होता है, तो वो पायलट का जो एग्जाम हम बस पूरी लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं, EKT का, ठीक है। वो क्यों दे सकते हैं, उसमें देखिए जो एग्जाम होता है वो बहुत रिस्की एग्जाम होता है पायलट का, तो उसमें हम बार बार अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। तो वो एग्जाम हमको पूरी लाइफ में बस एक ही बार मिलेगा, अगर हम उसमें रिकमेंड हुए, उसमें हम क्रैक कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर दिया तो ही हम आगे पायलट बन सकते हैं, नहीं तो अगर वो क्रैक नहीं हो पाए तो फिर हम आगे लाइफ में कभी भी ये EKT का एग्जाम हम नहीं दे सकते लाइफ में कभी भी। एक ही बार हम दे सकते हैं, एक ही बार हमको पूरी लाइफ में चांस मिलता है इस एग्जाम का, ठीक है। और इस FCAT में हमारा एक ही एग्जाम होता है जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, मैथ्स का, जीके का और इंग्लिश का, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारी दो तरह की एंट्री होती है, एक होती है हमारी ग्राउंड ड्यूटी और एक होती है टेक्निकल। तो इसके अंदर हमारी दो तरह की ड्यूटीज होती है, एक होती है ग्राउंड ड्यूटी जो हम ग्राउंड पे करते हैं, एक होती है टेक्निकल एंट्री, ठीक है, टेक्निकल ड्यूटी, टेक्निकल एंट्री ही बोलते हैं उसको। तो ये आपको मैंने बताया गाइस FCAT के बारे में। प्लीज अगर आप में से जो भी NDA के बारे में जानना चाहता है
SSB मतलब NDA में जाना चाहता है, तो प्लीज आप इसे लिखिए कहीं पर, और आप इसे थोड़ा, इसको मैं बस आपको आपकी नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ। तो गाइज मैंने आपको आज ही बताया इस चीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ एंट्री। अगली बार मैं आपके लिए इन सब का सिलेबस लेके आऊँगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।